तो आ जाइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, हेडिंग डालिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो जैसे देखिए जरा अज्यूम करते हैं, एक हमारा मैट्रिक्स है ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, ठीक है ना। और दूसरा अज्यूम कर लो हमारा मैट्रिक्स है बी वन वन, बी वन टू और बी टू वन एंड बी टू टू, ठीक है। इन दोनों मैट्रिक्स को हमको ऐड करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मस्ट बी सेम होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अगर ध्यान दोगे तो ये मैट्रिक्स जो है दो रो और दो कॉलम के साथ है, तो मतलब इसका ऑर्डर टू क्रॉस टू है, तो सिमिलरली इसका ऑर्डर भी टू क्रॉस टू होना चाहिए, ठीक है ना। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर मस्ट बी सेम, ठीक है ना। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो लिखिए जरा फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर क्या सेम होना चाहिए, ऑर्डर, ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है ना। जब भी दो मैट्रिक्स को ऐड किया जाएगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। जैसे मान लीजिए इसको ऐड करते हैं, ऑर्डर इधर भी टू क्रॉस टू है, इधर भी टू क्रॉस टू है, तो वेरी इजिली इसको ऐड किया जा सकता है। इसको इसके साथ दैट इज ए वन वन प्लस बी वन वन, सिमिलरली ए वन टू प्लस बी वन टू, देन नेक्स्ट ए टू वन प्लस बी टू वन एंड देन बी टू टू प्लस ए टू टू, ठीक है, राइट। अगर ऑर्डर सेम है तो आप उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। कंडीशन क्या है, ऑर्डर मस्ट बी सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए तो एक दो बेसिक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो लिखिए जल्दी से, चले आई फटाफट इसको इरेज किया जाए, एक दो बेसिक एग्जाम्पल, देन हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। बिल्कुल एक बात याद रखना है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, अगर ऑर्डर सेम है तो एडिशन पॉसिबल हो जाएगा। चलिए आइए तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट माइनस वन टू थ्री, एक मैट्रिक्स ये है। दूसरा मैट्रिक्स वन फाइव सिक्स सेवन एट थ्री माइनस वन सिक्स एंड टू, कोई दिक्कत, इनको हमको ऐड करना है, दैट इज एडिशन करना है। तो ऐड करके क्या आ जाएगा, देखिए जरा ऑर्डर देखेंगे तो ये हमारा थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है, और ये भी हमारा क्या है, थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है, मतलब यहाँ पे एडिशन क्या है, इसकी पॉसिबल है। ऐड करते जाइए देयर रिस्पेक्टिव एलिमेंट, दैट इज थ्री प्लस वन, राइट, थ्री प्लस वन, देन फोर प्लस फाइव, फोर प्लस फाइव, फाइव प्लस सिक्स, फाइव प्लस सिक्स, राइट, देन सिक्स प्लस सेवन, सिक्स प्लस सेवन, सेवन प्लस एट, राइट, सेवन प्लस एट, देन एट प्लस थ्री, एट प्लस थ्री, देन माइनस वन, माइनस वन, ठीक है। देखिए फंडामेंटल साइन का रूल तो वही है, राइट, तो माइनस वन एंड माइनस वन, देन टू प्लस सिक्स, टू प्लस सिक्स, देन थ्री प्लस टू, थ्री प्लस टू, कोई दिक्कत, आगे इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। आइए जरा थ्री प्लस वन फोर, सिक्स प्लस सेवन है ना सात छः तेरह थर्टीन, माइनस टू, देन नाइन आठ सात पंद्रह, एट, देन इलेवन, देन इलेवन, देन फाइव, दिस इज माई एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देख लिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब आप दो मैट्रिक्स को ऐड करते हो तो पहली बात उनकी ऑर्डर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जो नया मैट्रिक्स आएगा उसकी ऑर्डर भी बिल्कुल सिमिलर हो जाएगी, दैट इज थ्री क्रॉस थ्री, राइट। नोट डाउन कर लो, दिस इज माई एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। आगे चले, नेक्स्ट डालिए सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्ट